जो भी बच्चे अभी मैट्रिक का फर्स्ट सेटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम देकर आए उन सभी विद्यार्थियों का आंसर की मिलाने वाला। मेरा तो डी है, बट आपका कोई भी सेट हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन सेम रहता सभी का और फटाफट मिलाते चलिए। 100% सही उत्तर है, तो चलिए फटाफट मिलाते चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में देखा गया है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, सरकार पूछी गई है, तो फर्स्ट का राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं फटाफट, हम लोग मिला लेते हैं, 10 मिनट के टाइम में आप लोगों को मिला लीजिएगा। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो इसका ईस्वी में पूछा गया, तो इसका बी हो जाएंगे 1864 ईस्वी में, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा आयोजन हुआ है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट हो जाएंगे। अगर जो भी स्टूडेंट जिसका कोई भी सेट हो अपना जो जो टिक किए हैं केवल उन क्वेश्चन को रोक कर मिला लें और अपना चेक कर लेंगे कितना मेरा सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं, तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, कितना में हुआ था, तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं, तो लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का शासक था, फाइव का हो जाएंगे बी हो जाएंगे। सिक्स पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया भारत विश्व का व्यापार संगठन सदस्य कब बना था, तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1995, ये बिल्कुल सही आंसर है 1995 ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आठ बोला गया ब्रिटिश सरकार का गांधी जी का क्या उपाधि दी गई थी, तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कैंसर ए हिंद का। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया गरीब रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसे दिया है, तो नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर दस पूछा गया है भूमि का परिश्रम क्या कहलाती है, तो दस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लगन। क्वेश्चन नंबर ग्यारह पूछा गया है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य पूछा गया है, तो ग्यारह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोवा है जो प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया देश की सीमा के अंदर किस वर्ष उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कहलाती है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। 13 पूछा गया प्रो बी सी मेलेनोविस अध्यक्षता किस संगठन का किया गया था, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केंद्रीय संख्यक संगठन का। 14 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा रुपया है, तो भारत का हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा बचत क्या है, बचत है आय तथा उपभोग का अंतर यानी माइनस। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है निम्नलिखित में क्या सख पत्र नहीं है, सख पत्र पूछा गया, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया आस प्रकार है, तो इसका धान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी किस रेल का मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कोलकाता रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सूरत। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की कौन सी कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हीराकुंड। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया भारत में रेडियो प्रशासन किस द्वारा शुरू किया गया, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजन कब हुआ था, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1992 में हुआ था। 23 पूछा गया बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया निम्नलिखित में किससे बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी इजी था, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, तो 25 नंबर पूछा गया निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो महापौर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया गठबंधन का सरकार बनाने का संभावना निम्नलिखित में किस व्यवस्था होता है, तो बहुदलीय व्यवस्था की होती है, 26 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। 27 पूछा गया निम्नलिखित में किस क्षेत्रवाद का भावना कुप परिणाम है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अलगवाद। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ से होती है,
तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। तो 29 पूछा गया, निम्नलिखित में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बेल्जियम, बेल्जियम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1950 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला मानव विकास का रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अप्रैल 2002 में। 33 क्वेश्चन पूछा गया, संविधान के 12वीं अनुसूची में किस संबंध से किसे कहता है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नगर पालिका कार्ड क्षेत्र। 34 पूछा गया है, हिंद के अलावा क्या मान्यता प्राप्त हुई? तो मान्यता प्राप्त क्या हुआ था? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 21। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश को कहा गया? तो ब्रिटेन को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 35 का ए। 36 पूछा गया है, नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध राज्य से नहीं होती है? तो नर्मदा घाटी योजना 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 37 पूछा गया, बेस्ट इंडिया संघ का स्थापना कब हुई? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1958 में। 38 पूछा गया, स्थानीय स्वास्थ्य शासन के संविधान में अनुच्छेद स्थापना किया गया था? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। 39 पूछा गया, निम्नलिखित में किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, 39 का बी हो जाएंगे। 40 पूछा गया, निम्नलिखित में किस से कहाँ एकतंत्र शासन व्यवस्था है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अवैध आंदोलन। 42 पूछा गया, निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी। 43 पूछा गया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। 44 पूछा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, 1906 में हुआ था। 45 पूछा गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उड़ीसा में। 46 पूछा गया है, कल्प कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी तट स्थित नहीं है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मार्ग मगाओ। 48 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण कारक है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निम्न से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन पूंजी का बड़ा अंग नहीं है, अंग है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 50 पूछा गया है, सहकारिता सहायक समिति विधान कब पारित हुआ? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1905। 51 पूछा गया, भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। 52 पूछा गया है, भारत में एलपीजी नीति कब आई? कब आई है भारत में एलपीजी नीति? तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, 1991 में। 53 पूछा गया, घन विकास क्षेत्र का शामिल करते हैं? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र। 54 पूछा गया, व्यापारिक बैंक एजेंसी कार्य क्या है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 55 पूछा गया, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 56 पूछा गया, निम्नलिखित में किस द्वारा पूंजी का निर्माण हुआ? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विनियोग। 57 पूछा गया, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, गुजरात का भयंकर भूकंप कब आया था? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2001 में।
59 पूछा गया है, भूमिगत जल स्तर गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है, तो इनमें से सभी योजना चलाई गई है 59 का डी हो जाएगा। 60 पूछा गया है, निम्नलिखित कौन सा दक्षिण भारत का बिहार नदी है, तो सोन नहीं है, बी हो जाएंगे 60 का। 61 पूछा गया, रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक इकाई भूकंप की गहनता का कितनी वृद्धि हुई, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 10 गुना। 62 पूछा गया, भारत का वाइसराय राज कौन सा है, तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, सिक्किम हो जाएंगे। 63 पूछा गया है, 1974 में जनसंघ किस नाम से जाना जाता है, तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 64 पूछा गया, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले में किस सूची में रखे गए हैं, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। 65 पूछा गया, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने कहा जाता है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यूनान को। 66 पूछा गया है, रूस का संसद किसे कहा जाता है, तो 66 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, ड्यूमा। 67 पूछा गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई, तो कहाँ हुई, तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, तस्कंद में। 68 पूछा गया है, टोकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थगित है, तो 68 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, कंबोडिया में। 69 पूछा गया, इलबर्ट किसे किसने शासन का पारित हुआ, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन। 70 पूछा गया, सहयोग आंदोलन प्रस्ताव किस कांग्रेस का अधिवेशन में हुआ, तो लाहौर में। 70 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, नागपुर में, नागपुर में। 71 पूछा गया है, मुद्रण का प्रारंभ किसे कहा जाता है, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चीन को। 72 पूछा गया है, इंडिपेंडेंस का प्रशासन किसे कहा गया, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू को। 73 पूछा गया है, बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य अग्रणी है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उड़ीसा। 74 पूछा गया, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र में। 75 पूछा गया, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना बना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना बना, यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तीसरी। 76 पूछा गया, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र का कौन सा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएंगे। 77 पूछा, निम्नलिखित में किस नींव को मिट्टी कहा जाता है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, खादर। 78 पूछा गया, किस भाग में मैग्रोव वन का सबसे अधिक पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 79 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे निर्यात पतन है, निर्यात पतन पूछा गया, तो 79 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, कोलकाता में। 80 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य व्यस्त का अग्रणी है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सूरत, सूरत का हो जाएंगे, सूर्य व्यस्त का उद्ग्रहणी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।